उत्तराखंड सचिवालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। आइए हम आपको बताते हैं कि धामी सरकार की कैबिनेट में किन किन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले। सचिवालय प्रशासन के 4 कनिष्ठ सहायक को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नौकरी को लेकर हरी झंडी। औली में वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग डेस्टिनेशन बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी। उधमसिंह नगर में गैस आधारित प्लांट के लिए गैस पर लगने वाले वैट को किया गया खत्म। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अनुसार कलाकृति के माध्यम से धाम के इतिहास को दीवारों पर दर्शाया जाएगा। काम पुरानी INI डिजाइन स्टूडियो को दिया। सेवा क्षेत्र पॉलिसी को हरी झंडी। आयुर्वेद, वेलनेस, स्पोर्ट्स, IT, डेटा सेंटर आदि को सब्सिडी दी जाएगी और लैंड अलॉटमेंट भी करेगी सरकार। पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को हरी झंडी। पीक आवर्स में स्टोरेज प्लांट की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। बिजली कटौती को दूर करने के लिए कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। उत्तराखंड सचिवालय में चली कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद मुख्य सचिव SS संधू ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ब्रीफिंग की। अगला मत पर्यटन विभाग का था। ये आप जानते ही हैं कि केदारनाथ जी एवं बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का कार्य चल रहा है, इसमें बद्रीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों में मूर्तियों की स्थापना की जानी है, जिसमें जो मेन रूट हैं उस पर दीवारों के ऊपर क्या क्या होगा, जो कि बद्रीनाथ के इतिहास के मुताबिक वहाँ के जो रिलीजियस सेंटिमेंट हैं और जो वहाँ की गाथाएं हैं उसके मुताबिक किया जाएगा। और ये जो पहले ही वहाँ संस्था जिसने इसका मास्टर प्लान बनाया उसने इसकी प्रेजेंटेशन की प्लान बनाया, और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि ये कार्य भी उन्हीं को दिया जाए, क्योंकि पहले से ही वो सारा बद्रीनाथ का शुरू से कार्य कर रहे हैं और सबसे अच्छी स्थिति में वही हैं कि उनको पहले ही कॉन्सेप्ट का पता है, वही ये कलाकृतियाँ का डिज़ाइन करेंगे और बनाएंगे।